Hello students, today we are going to study about chapter 5, data handling. So let us start our new chapter, data handling. Handling, तो start करते हैं इसको. इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये data handling क्या है, वो क्या होता है, data क्या होता है data handling के अंदर. तो data handling के अंदर data जो भी होता है वो एक collection होता है. numbers ले सकते हैं, collection of numbers या collection of persons. तो वो एक data को represent करते हैं. अब डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसको पहले हम डेटा की टेबल बनाएंगे. कलेक्शन, जो भी कलेक्शन होगा वो अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेटा को. तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स से हम रिप्रेजेंट करने के वेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करने के वेज हैं उसमें एक ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड हम ले सकते हैं कि जो ग्राफिकल मेथड है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. तो जो मेथड है उसका है ग्राफ से रिलेटेड. तो इस चैप्टर के अंदर डेटा हैंडलिंग के अंदर एक तो हम ग्राफ पे डिस्कशन करने वाले हैं और एक हम पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ या सर्कल चार्ट से हम इसको डिफाइन करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग को, डेटा को. तो सबसे पहले हम जो इसमें ग्राफ में है वो नंबर वन पे है पिक्टोग्राफ. तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में नंबर वन पे जो हम लेने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के चैप्टर के अंदर, तो वो होगा अपना पिक्टोग्राफ. तो इसके अंदर जो नंबर वन पे है पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी पिक्स गिवन होगी हमें बहुत सारी, और उस एक पिक के किसी ने पर्सन या डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको उसके डेटा को टोटल सम करके हमें फाइंड करना होता है या उसको सोल्व करना होता है कि कैसे हमें सोल्व करना. तो इस टाइप से हमने एक डायग्राम बना लिया और दूसरा इसी टाइप से फ्लोर फॉर्म में ये. अब एक की जो फ्लोर है उसकी हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमें 100 परसेंट्स. तो एक फ्लोर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 परसेंट्स को. तो टू फ्लोर्स हैं वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, वो 200 परसेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. इस टाइप से पिक्टोग्राफ में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें हम इसमें, तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम इस टाइप से एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर डायग्राम बना के इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ये जो डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट करा है. तो इसके लिए हम 50 काउज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेट कर लिया हमने जो ये डायग्राम है वो 50 काउज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डायग्राम एक इस टाइप का. इसी टाइप का हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं. तो ओनली वन डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेगा 50 काउज को, और एक और हम डायग्राम बना लेते हैं इसी टाइप का. इस टाइप से हम बना लेते हैं वापस सेम इसी टाइप से जैसे अभी बनाया था. तो ये दोनों मिलके कितना होगा, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 100 काउज, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है 50 है. तो इस टाइप से हमें पिक्टोग्राफ के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं. सेकंड के ऊपर आते हैं हम. सेकंड के अंदर हम लेंगे बार ग्राफ. तो बार ग्राफ देखते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है. तो बार ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हम इससे फेमिलियर हैं सब कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं. तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया. अब बार ग्राफ में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर बार बनाएंगे. वो उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को, कि कोई भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं. जैसे अपने पास इस बार ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि हम एक सब्जेक्ट ले लिए, दो तीन सब्जेक्ट ले सकते हैं हम इसमें. तो सब्जेक्ट्स में मैथ्स ले लिया एक, एक हम ले सकते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, और एक साइंस हो गया. तो मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस ये 3 सब्जेक्ट्स हम लेके कर सकते हैं इसको. तो मैथ्स के अंदर जैसे स्टूडेंट्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ, ये सेकंड वाला इंग्लिश के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये साइंस को रिप्रेजेंट करेगा. इस टाइप से हम बार फॉर्म में ये बार ग्राफ बनाते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं इसमें ले सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं, ये नंबर ऑफ मार्क्स ले सकते हैं इस टाइप से. थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे डबल बार ग्राफ की. तो अभी जो सेकंड वाले में किया हमने बार ग्राफ वो सिंगल बार ग्राफ था, और ये अब डबल बार ग्राफ होगा. डबल बार ग्राफ हम किसी में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली इसको डिफरेंस फाइंड करने के लिए
ही यूज करते हैं। जैसे टू सब्जेक्ट्स है अपने पास, टू सब्जेक्ट लें या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, राम और श्याम, तो उस एग्जाम दोनों के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो ये दोनों ले लिए हमने, इसी टाइप से नेक्स्ट वाले के लिए भी हम दोनों ले लेंगे। तो एक को, एक राम को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक श्याम को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसी टाइप से। तो ये डबल बार ग्राफ होगा। डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो बार साथ में ले यूज करते हैं। और ये जो ग्राफ यूज कर रहे हैं हम, ये अनग्रुपेड डेटा के लिए, ग्रुपेड डेटा के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको, और अनग्रुपेड डेटा के लिए भी बना सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी बना सकते हैं। अब हम फोर्थ नंबर पे बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम के। हिस्टोग्राम जो बनाते हैं हम, वो ओनली हिस्टोग्राम जो है वो ओनली ग्रुपेड डेटा के लिए होता है, ओनली ग्रुपेड डेटा के लिए होता है। तो ग्रुपेड डेटा के लिए ही हम, और ये अनग्रुपेड डेटा के लिए हम इस टाइप से जो बार ग्राफ है वो बनाते हैं। और क्लास इंटरवल, इसके अंदर हिस्टोग्राम के अंदर क्लास इंटरवल होता है। तो ये जो हमने नंबर ले लिया 10, 20, 30, 40, 50 to 60 एंड इस टाइप से, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने ग्राफ बना लिया। कंटिन्यूसली अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज में कि ये हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये जो और नीचे की तरफ 10 to 20, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 to 20, 30 to 40 इसको वाई एक्सिस पे होंगे, वाई एक्सिस पे हम जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो भी होगा वो रखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा में बात करें तो हम इसमें टू टाइप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रुपेड डेटा, एक हो जाएगा अनग्रुपेड डेटा। तो ये जो अगर इसी टाइप से नंबर कंटिन्यूसली लिख ले हम नंबर, तो ये 1, 2, 3, 6, तो इसको अनग्रुपेड डेटा बोलेंगे। ये कौन सा हो जाएगा, अनग्रुपेड डेटा। एक ग्रुपेड डेटा होगा, ग्रुपेड डेटा में उसको ग्रुप बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो कौन सा हो जाएगा, ग्रुपेड डेटा। अगर ग्रुप बना के हम रिप्रेजेंट करें तब कौन सा हो जाएगा, ग्रुपेड डेटा। और अगर उसको अनग्रुप फॉर्म में रखें तो वो अनग्रुपेड डेटा। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देख सकते हैं, फिर नंबर ऑफ किसी भी टेबल के अंदर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो उनका कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे इसमें हम 2 एक बार और ले लेते हैं, तो ये 2, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये अपने फ्रीक्वेंसी ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट्स हो रही है या कोई भी हम टेबल में रिपीट हो रहा है कोई भी डिजिट, तो उसका नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हमने फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिस्कशन किया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये ग्रुपिंग डेटा के ऊपर भी डिस्कशन किया कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अनग्रुप बना के। तो ग्रुपिंग डेटा में क्या होगा कि जैसे हमने ये डेटा लिख लेते हैं, 8, 9, 3, 4 इस टाइप से। तो अब इसकी अगर हम टेबल बनाएं, तो इसकी टेबल बना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3, 4, तो ये हम इसकी टेबल बना के देखते हैं। इसमें टेली मार्क्स आ जाएगा और नेक्स्ट वाले में हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब इसके अंदर हम ये काउंट करेंगे कि ऑर्गेनाइज डेटा के अंदर कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है डेटा को, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे टेली मार्क्स के अंदर सबसे पहले देते हैं नंबर ऑफ डेज, हम इनको ले सकते हैं नंबर ऑफ, इस टाइप से। टेली मार्क्स में इसमें आ जाएगा 3 के लिए क्या हो जाएगा, टेली मार्क्स 3 के इतने टाइम से, 2 के लिए जैसे 3 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ये हमने ले लिया। नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसमें जो 2 था वो 3 टाइम्स था, 3 अपने 5 टाइम्स था, तो इस टाइप से इसको सोल्व करना। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो गिवन है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या है कि मेन गिवन है और वुमेन गिवन है, बॉयज़ गिवन है एंड गर्ल्स। तो इनका एक टेबल गिवन है अपने पास या इस टाइप से। तो मेन और इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और टेली मार्क्स का यूज़ करते हुए, यूजिंग टेली मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसमें हम फिर बाद में लास्ट में हमें बनाना है बार ग्राफ, इसका हमें बनाना है। तो ये हम बार ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें जो ये मेन गिवन है, वुमेन गिवन है, बॉयज़ गर्ल्स, ये जो गिवन है इनके नंबर्स देखते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना है, तो टेबल हम बनाएंगे। तो एक में टेबल में बॉक्स वाइज हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसमें तो शॉपर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें 20 वाले हम टेली मार्क्स यूज़ करते हैं। टेली मार्क्स हम काउंट करने के लिए करते हैं कि जिससे कोई मिस्टेक नहीं हो। फिर इस लास्ट वाले में जो नंबर्स हैं या इसमें फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट वाले को ये फ्रिक्वेंसी भी हो जाएगा। इस टाइप से ये हम बॉक्स बना लेते हैं इसका। इस टाइप से हमें जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल ही बना रहे हैं, तो इस टाइप से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो अब इसके अंदर जो मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये जो गिवन है इनकी चेक करते हैं, काउंट करते हैं कि कितने टाइम्स हुआ है, कितने टाइम्स नहीं है। तो मैन ने कितने टाइम्स है वो हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एम, डब्ल्यू, बी एंड जी, ये 4 हो गए। तो मेन के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम्स है, 28 नहीं, ये 15 हो गए, मेन 15 है। ऐसे ही वुमेन के लिए काउंट करना आपको 28, ऐसे ही बॉय के लिए कितना हो जाएगा 5 और गर्ल के लिए कितना हो जाएगा 12। इस टाइप से काउंट करके हमें नोट करना है। तो ये हम पहले से लिख लेते हैं इधर, फिर फ्रीक्वेंसी कितना। अब टेली मार्क्स करना है तो टेली मार्क्स में वही 4 लाइन्स अपने को इस टाइप से और 5th वाली क्रॉस करनी है, 10 और ये हो जाएगी 15। तो इस टाइप से हमें 28 के लिए भी बनाना है, 5th के लिए भी बनाना है और 12 के लिए भी बनाना है, 5 के लिए भी, 12 के लिए भी। इस टाइप से हम इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। अब इसका हम बार ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसका बार ग्राफ कैसे बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वही प्रोसेस इसमें बार ग्राफ के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे और एक्स एक्सिस ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस ये बनाते हैं, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। तो अब इसमें हम ये यूनिट वाइज ले सकते हैं, जैसे आप वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्रिक्वेंसी को और जो एक्स एक्सिस पे है उस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं शॉपर्स को। ओके तो इसमें जो अपने पास और ये जो 2 बॉक्सेस हैं उसमें हम 5 यूनिट्स ले सकते हैं, जैसे इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30 है। इस टाइप से इसमें 5 यूनिट्स ईच बॉक्सेस हो जाएगा, ईच बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 है तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से बॉक्स बना लेंगे ऊपर नीचे से। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एम को रिप्रेजेंट करेगा, मैन को। इसी टाइप से इसको आप शेडेड भी कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट में वही गैप देके करना है क्योंकि हम बार ग्राफ बना रहे हैं। तो ये नेक्स्ट में हम किसका ले लेंगे, वुमेन का, वो 28 तक है तो हमने ऊपर पे 28 तक इसको बनानी है। इसको भी हम शेडेड फॉर्म में किसी टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से कोई भी टाइप ले सकते हैं आप, किसी भी टाइप से इसको शेडेड कर सकते हैं। और ये अपना हो जाएगा बॉय के लिए 5 पे आ रहा था। ये सारा पेंसिल से बनाना है ग्राफ पेपर में, या तो आप ग्राफ पेपर को थोड़ा सा कट करके उसको पेस्ट करके कर सकते हैं, उसमें बना के पेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें ये ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सएस 5.1। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, उसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्वेश्चन नंबर 3 वाली फ्रीक्वेंसी टेबल है, वही हमें यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये हमने ऐसे कैसे बना ली फ्रीक्वेंसी टेबल को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है वो हमें सोल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमें गिवन है, ये हमें सोल्व करना है और फिर बाद में इसका हिस्टोग्राम हमें बनाना है। इसका क्या बनाना है? हिस्टोग्राम हमें बनाना है। तो विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, तो ये जो फ्रिक्वेंसी टेबल है इसके अकॉर्डिंग हमें ये इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। तो मैक्सिमम नंबर्स किसके अंदर है, कौन से फ्रिक्वेंसी के अंदर है? 9 में। तो ये इसका जो क्लास इंटरवल होगा, विच ग्रुप हैज द, तो ये 832-840 वाला ग्रुप है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, ये जो 800 है ये लोअर लिमिट हो जाएगी, और 810 है ये अपर लिमिट हो जाएगी। और जो दोनों के बीच में क्लास साइज है, दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में जितना डिफरेंस आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास साइज को, ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो ये फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 850, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 8 रुपीज़, 850 एंड मोर। 850 से ज़्यादा कौन कितने अर्न कर रहे हैं? तो 850 से वाला बॉक्स है, हमें क्या करना है कि 840 और 850 वाला है उसमें 850 से नीचे नीचे वाले ही काउंट होंगे। तो 850 वाला काउंट करना होगा तो हमें 850 वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब 852-860। तो इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं 852-890 तक वाले में 1 + 3 + 1 + 1 वो कितना रहा? 10। थर्ड वाले में देखना है कि 850 से लेस देन फाइंड करना है, तो लेस देन के लिए हम 850 से ऊपर वाले चेक करेंगे हम, क्योंकि 842-850 वाला है वो लेस देन 850 में आ रहा है। तो जितने भी काउंट, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं हमें, उनको हम काउंट कर लेंगे इसके अंदर, 3 + 2 + 1 + 9 + 5 यहाँ तक 20। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 20। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल है और फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं इसका। तो ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले तो इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं पेन यूज कर रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाएंगे तो उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उससे हम उसको इरेज करके यूज कर सकते हैं, वापस से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं पेंसिल से ही बनाना, ये क्योंकि पेंसिल से अगर आप बनाओगे तो कोई मिस्टेक हो जाए आपसे तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। ओके ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस पे लेने वाले हैं? वाई एक्सिस पे लेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। और जो ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, इस टाइप से वाई एक्सिस हमें बनानी है। ये काउंट करके देखना है कि कहाँ तक आ रहा है, कितने हम ये बॉक्सेस हैं, वो किस वाइज ले, किस टाइप से हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ से 0 पॉइंट हम लेते हैं, तो यहाँ पे 800 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट को, क्योंकि 1 to 800 तक हम क्या करेंगे, उनको स्किप कर देंगे। तो स्किप करने के लिए हम इस टाइप से, ये जिगजेग लाइन जो आपको दिख रही है, इस टाइप से हम एक जिगजेग लाइन बना देंगे। इस ये जिगजेग लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है? 1 to 800 डेटा को। किसको रिप्रेजेंट करी है? 1 to 800 डेटा को। अब हम इस पे वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, जो फ्रिक्वेंसी है वो ले ली। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम 9 है, तो हमने 1 to 3 तक, 10 तक ले ली। और ऐसे ही वाई एक्सिस पे हम लेंगे, तो वाई एक्सिस पे हम इस टाइप से बनाएंगे, ये वाई एक्सिस पे, ये अपने एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्स एक्सिस पे बनाएंगे इसको, और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज लेना है, क्योंकि क्लास इंटरवल जो दे रखा है 800 to 810। तो फर्स्ट अपना ग्रुप हो जाएगा 800 to 810, फिर बाद में 810 to 820, इस टाइप से ये वीकली वेजेस रिप्रेजेंट करेगा इधर से। तो हम 2 बॉक्सेस ले सकते हैं या सिंगल बॉक्स भी ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमने, तो ये फर्स्ट वाले पे हो जाएगा 800 to 810, फिर बाद में, एट हंड्रेड टू एट हंड्रेड टेन ये 1 बॉक्स हो गया। ये सेकेंड वाला बॉक्स हो जाएगा अपना 820, फिर
ऐसे ही थर्ड वाला लेंगे 830, फिर हो जाएगा 840, 850, 860। इस टाइप से हम इनको बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब जो नंबर अपने पास जा रहे हैं, जो नंबर अपने पास हैं फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे प्लॉट करते हैं पॉइंट। तो 800 टू 810 के बीच में जो अपने पास हैं नंबर्स, वो है 3। तो हम 3 तक उसको ड्रा करेंगे, 3 तक हम इसको ड्रा करेंगे। इस इधर से भी ड्रा कर लेते हैं और फिर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस टाइप से ये एक बॉक्स बन गया। फिर इसमें जो हिस्टोग्राम बनाते हैं उसमें ग्राफ अपना है, कंटिन्यूसली ग्राफ होता है, बार ग्राफ ले सकते हैं। बार ग्राफ अगर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यू हम उसको बनाए तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले में 2 था क्योंकि 810 टू 820 कितना था, 2। थर्ड वाले में 1 है, यहाँ पे हमने 40 कर दिया था, 30 आ जाएगा। इसमें 40, इसमें 50, इसमें 60। ये इधर से थोड़ा सा कम रह गया, तो ये आपको इसको और वर्टिकली ना बना के ओरिजेंटली लेके बनाना है, जिससे कि कंप्लीट पूरा आ जाए। ये आ गया। ऐसे ही 832, 840 ले लेंगे। तो ये 9 तक आ रहा है, तो हम 9 तक इसको ड्रा कर लेंगे। इस टाइप से लाइन ड्रा करते हैं, ये 9 तक और 840 इसको लेंगे। सो 832, 840 इस टाइप से। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले भी ये ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आया नहीं इधर से। तो आपको ये ओरिजिनल लेके नंबर्स को फिर बनाना है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें बनाना है, वो जो दिख रहा है आपको, इसमें पाई चार्ट हम बनाएंगे। पाई चार्ट हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो देख रहे हैं आप, उसके अंदर है ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टेप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी एडजोइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है वो हमें एक पाई चार्ट बना के सोल्व करना है। तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो पाई चार्ट जो गिवन है साइड में, उसी से हम करेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी हमें गिवन है पाई चार्ट। तो फर्स्ट नंबर पे जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट के लिए क्वेश्चन है, वो है 20 पीपल हमें गिवन है। तो 20 पीपल के लिए लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए पहले जो गिवन है डायग्राम, पाई चार्ट जो गिवन है वो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया इस टाइप से। ये गिवन ऑलरेडी हमें, इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है हमें इस टाइप से। एक है तो इसमें क्लासिकल, फोक, लाइट और सेमी क्लासिकल, ये गिवन है। तो ये तो जाएगा लाइट का, लाइट है 40%, और सेमी क्लासिकल है ये अपने पास 20%, और क्लासिकल है वो है 10%। वो सेमी क्लासिकल हो गया, और फिर क्लासिकल अपने पास है 10%, फोक हो गया 30%। अब इसमें हमें गिवन है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसमें टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं कि जो 10% है 20 पीपल, तो टोटल कितने होंगे। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इस टाइप से ले सकते हैं, 10% है वो लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें जो 10% है वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में कितने परसेंट गिवन है हमें, वो गिवन हमें क्लासिकल म्यूजिक में 10%। लेकिन 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कर रहा है 20 पीपल को, क्योंकि 10% हमें गिवन है। तो हमें टोटल पीपल फाइंड करना है कि टोटल पर्सन है इसके अंदर वो कितने हैं, टोटल पर्सन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 10% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 पीपल को। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 20 × 100/10 इजकल टू 200, 20 इंटू
तो 20 जो है वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10% है, तो अगर 10% का इसको मैं हम डिवाइड करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पीपल्स को, तो टोटल पीपल को तो टोटल 200 अपने पास आ गया इसमें एक्स। हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि कोई भी ये नंबर है हम लेट कर सकते हैं उसको परसेंटेज को, तो परसेंटेज जैसे हमें 10% गिवन है तो हम इसको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, 20 है वो हमें गिवन है पेपर, और हमें जो फाइंड करना है वो उसको टोटल है, जो है वो उसको हम एक्स लेट कर सकते हैं इंटू 100। ये हम फाइंड करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे हम इस टाइप से, 20 × 100 अपॉन ये 10% हम इधर ले आते हैं और एक्स को उधर ले आएंगे, इसको इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये, सेकेंड वाला जो गिवन हमें, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है, तो मैक्सिमम नंबर किस में दे रखा है तो वो चेक करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर सब में देखो 10% है, 30%, 40%, 20%, 10%, 30%, 40 और 20, तो 40% जो लाइट के अंदर दे रखा है वो मैक्सिमम नंबर होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक म्यूजिक, ये कौन से होंगे, लाइट में होंगे, लाइट के अंदर कितना है, 40% है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर होंगे, क्योंकि 40% किसके अंदर आ रहा है, लाइट के अंदर आ रहा है, तो लाइट के अंदर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितना जाएगा, 40%, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट। अब नेक्स्ट पे करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है कि इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड द मेक, तो इसके अंदर हमें फाइंड करना है, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड द मेक। तो 1000 सीडीज के लिए क्या हो जाएगा, अब हमें जो गिवन है कैसेट कंपनी वट टू मेक वन, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, इसके लिए जो क्लासिकल है उसके लिए हमें क्या करना है कि सबके लिए फाइंड करना है, तो 10% ऑफ 1000 करेंगे, ऐसे ही 20% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000 एंड 40% ऑफ 1000। तो 10% ऑफ 1000 क्या होगा, वन थाउजेंड सीडीज हमें बनानी है टोटल, तो 10% मतलब इसकी क्लासिकल के लिए कितनी बनेगी, 100 बन जाएगी, फोक के लिए कितनी बन जाएगी, इसे ऐसे ही फोक का 30% था वो, तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 300, तो इसकी 300 सीडीज बनेगी। ऐसे ही हम 20 के लिए फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये पाई चार्ट बनाना है, शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज क्लास एफर्ट बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये हमें टेबल गिवन है, इस टेबल का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे जो कलर्स हैं और नंबर ऑफ पीपल है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब बनाने के लिए हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए, तो इधर इंफ्रैक्शन लिख लिया और नंबर ऑफ पीपल है, इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर है उसका हम इनका एंगल फाइंड करेंगे, मतलब सेंट्रल एंगल, तो फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले, 18/36 जो है टोटल नंबर का डिवाइड कर देंगे, मतलब इसमें 3/36 टोटल नंबर कितना था, 36। अब हम इसमें पाई चार्ट बनाने के लिए जो सर्कल बनेगा, सर्कल के अंदर जो सेंट्रल एंगल कितना होता है, 36, 360 डिग्री का होता है, तो हम उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, तो इन सबको क्या करेंगे हम 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो भी एंगल आएगा वो अपना सेंटर एंगल बनेगा, तो 118/36 × 360 करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 के होगा, तो इसको हम सोल्व करके देख सकते हैं यहाँ पे, वो 18/360 36 × 360, 36 36 कैंसिल, 180, तो फर्स्ट वाले के लिए एंगल कितना हो गया, 180, सेकंड के लिए 90, ऐसे ही 60 एंड 30, ये सेंट्रल एंगल हो गया, इन्हीं का यूज करते हुए हम क्या करना है, हमें पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें कोई भी टेबल गिवन हो उसके लिए हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना ही होगा, तो इस टाइप से हम, अब 80 डिग्री का था तो हमने डायरेक्ट इसके अंदर 180 डिग्री का बना लिया, ये ब्लू वाला पार्ट हो गया,
आप 90 डिग्री का बनाना है तो इसके अंदर हम डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, डी का यूज़ कर सकते हैं आप, या ये अपना 90 डिग्री इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डी का यूज़ करते हुए बनाना है, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 60 का, तो 60 का भी यूज़ कर सकते हैं डी से, और 30 का, फिर 30 का बना सकते हैं। तो इसी टाइप से ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, और फिर बाद में हम बना लेंगे 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का। तो इस टाइप से हमें ये एंगल बनाना है, मतलब पाई चार्ट बनाना है। तो इसमें डी का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं इस टाइप से, और इनको शेडेड करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, कि शेडेड करके कलर से भी करके अलग अलग पार्ट को डिफरेंट टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से करना। ये एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके अंदर। वो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई भी इवेंट करें या कॉइन को टॉस करें, तो हेड और टेल दोनों में से जो भी आएगा वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी, कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस, तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम इसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जैसे कॉइन का लिया हमने, कॉइन अपने पता नहीं कि ये आगे क्या आएगा, और इक्वली लाइकली आउटकम्स में अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, कॉइन के अंदर जो टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, उसमें किसके चांसेस होते हैं हेड और टेल आने के। तो अगर हेड और टेल दोनों को कंबाइन करें कि कॉइन वन है तो हेड आने का चांस कितना हो जाएगा, 50% है, ऐसे ही टेल आने का चांस कितना हो जाएगा, 50%, वन मतलब 1/2, 1/2, तो दोनों इक्वल आउटकम्स आएंगे, तो वो क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स, वो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके अंदर हम कोई भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सबसे पहले, कि इसके अंदर कॉइन के अंदर हेड पहले आएगा या टेल पहले आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स में दोनों आउटकम्स अगर इक्वल आ रहे हैं, उनकी परसेंटेज या उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, मतलब 50-50 चांसेस हो। तो आउटकम्स एज इवेंट्स, तो आउटकम्स में जो भी हम इवेंट करते हैं उसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो भी अपने पास रिजल्ट आता है वो अपना क्या होगा, आउटकम्स हो जाएगा। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया है, इसके अंदर हेड और टेल आया, तो हेड और टेल जो आ रहे हैं वो अपने क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करें तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स वो हैं जो कि अपने पास रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पे जो आउटकम्स आ रहे हैं वो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी ले सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, जैसे हेड है, हेड के लिए हम फाइंड करें तो वो अपना फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जैसे कॉइन को हमने टॉस किया तो कॉइन में कितने आउटकम्स हैं, हेड और टेल टू आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए टू, और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, जैसे किसके लिए हम फाइंड करें, हेड के लिए फाइंड करें तो हेड का आउटकम कितना हो गया, वन, क्योंकि कॉइन के अंदर ओनली सिंगल हेड ही होता है वन टाइम अगर उसको करते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 5.3। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं 5.3 का। तो व्हेन अ डाइस थ्रो लिस्ट टू द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो इसके अंदर आउटकम्स देखते हैं कि डाई को थ्रो किया हमने, तो डाई को थ्रो करने पे आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अपने पास नंबर है वो कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें कितने आएगा, 6 आ सकता है। तो इस टाइप से अपने पास है, ये डाई हमने बना लिया, डाइस में क्या होता है कि 6 एजेज होती है इसमें। अब इसके लिए फाइंड करना कि नंबर ए प्राइम नंबर, आउटकम्स फाइंड करना है इसमें, तो प्राइम नंबर के लिए नोट ए प्राइम नंबर हो तब क्या होगा। तो प्राइम नंबर हम देखें कि ये आउटकम्स हैं, पहले तो हम फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वही अपने क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कितने आउटकम्स हैं, 2 एंड 3 एंड 5, तो 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर आउटकम्स हो जाएंगे। अगर डाई को हम थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2, 3 और 5, 3 आउटकम्स होंगे। बी में हम नोट ए प्राइम नंबर, तो 1, 4, 6 होगा वो नोट ए प्राइम नंबर होगा। फिर सेकंड वाले में ए नंबर ग्रेटर देन 5, सो ग्रेटर देन 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6, तो ओनली 6 जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा आउटकम, क्योंकि अगर उसके अंदर टोटल ही अपने पास 6 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बी वाले पार्ट में नंबर नोट ग्रेटर देन 5,
तो नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 इंक्लूड रहेगा इसमें, सो 1 to 5 तक जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आउटकम्स होंगे इसके अंदर, सो 1 2 3 4 5, तो ये सारे आउटकम्स के होंगे नॉट ग्रेटर देन 5। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन बॉक्स एंड मिक्सड वेल, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट, वॉट इज द प्रॉबर्टी। तो ये हमें 1 to 10 तक हमने क्या किया, स्लिप में नंबर्स हमने डाल दिए और उसके लिए हमें प्रॉबर्टी फाइंड करनी है। तो गेटिंग ए नंबर 6, तो पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जो मैक्सिमम नंबर हैं तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 to 100, 1 to 10, क्योंकि 1 to 10 तक लिखना है, तो 1 to 10 है, 10 आउटकम्स इसमें आ जाएंगे टोटल आउटकम्स। गेटिंग ए नंबर 6, तो नंबर 6 के लिए नंबर 6 कितनी बार आ सकता है, ओनली 1 टाइम आ सकता है, सो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, ओनली 6, मतलब ओनली 1 होगा, क्योंकि एक बार 1 to 10 में 1 टाइम ही 6 आता है, तो 1 इसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। फिर अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें, ये 1 टाइम आता है क्योंकि 6 1 टाइम ही होता है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास, 1, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन, अब तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 10, सो 1 अपॉन 10। इस टाइप से सेकेंड वाला में गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 के लिए कितना होगा, अब लेस देन 6 का मतलब है 1 to 5 तक इसमें आएगा, लेस देन 6 में, तो 1 to 5 तक हम देखते हैं, तो 1 to 5 तक ये कर लिया, टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम्स 10 रहेंगे इसमें, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जिसके लिए हम फाइंड करें वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5, 5 इसमें फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी, तो वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5, और टोटल नंबर आउटकम्स कितना है, 10, तो ये 1 अपॉन 2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर नेक्स्ट में इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन, तो इसके लिए भी हम ये इसी टाइप से सोल्व करते हैं। तो ग्रेटर देन 6 के लिए क्या हो जाएगा, 7 8 9 10, सो ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, मतलब 4 इसका फेवरेबल आउटकम होगा, 4 ही आ रहे हैं अपने पास आउटकम्स, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसकी हम, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इसमें कितना है, 4 है, और टोटल आउटकम्स वही 10 रहेगा, तो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। फोर्थ वाला है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, अब 1 डिजिट नंबर क्या है कि इसमें 1 to 9 तक इसमें 1 डिजिट नंबर होगा, मतलब अपने पास टोटल नंबर कितने हैं, 1 to 10 तक है, स्लिप में 1 to 10 तक लिखे हुए हैं, तो इसमें 1 डिजिट नंबर होगा, वो 1 to 9 तक 1 डिजिट नंबर होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, उसमें 9 हो जाएगा, 9 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 9 अपॉन 10, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इस टाइप से हमें ये सोल्व करना है क्वेश्चन। ओके,